सिंगरौली जिले के मोरवा में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 में दुर्दशा को लेकर लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सिंगरौली सीधी निर्माणाधीन NH रोड निर्माण के खस्ता हाल को लेकर रविवार शाम मोरवा में स्थानीय लोगों ने युवा व्यापार मंडल एवं सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाल अपना विरोध प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में शुरू हुए कार्य 6 वर्षों के बाद भी अधूरे में लटका हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को धूल प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण कैंडल मार्च निकाल कर विरोध जताते सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि सिंगरौली से होकर गुजर रही रीवा रांची NH 39 राष्ट्रीय राजमार्ग में MPRCD द्वारा उत्तर प्रदेश बॉर्डर में खनहाग से सीधी तक रोड निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, परंतु 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा है। इसके द्वारा कहा गया कि कोई जनप्रतिनिधि न प्रशासनिक न अधिकारी और न CMR का दम भरने वाली कोल इंडिया की NCL कंपनी इसके समाधान के लिए आगे आती है। कार्यक्रम में शेखर सिंह युवा व्यापार संघ अध्यक्ष एवं राकेश सिंह अध्यक्ष ट्रक एसोसिएशन, विनोद गुरुवंशी महासचिव व्यापार संघ डब्बू तिवारी, उपाध्यक्ष व्यापार संघ राहुल अग्रवाल, कोसा अध्यक्ष व्यापार संघ एवं अन्य कई लोग शामिल रहे। हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत, अगर कोई बड़ा आंदोलन आपको करना है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से जनता के बीच अलग जगह के करनी पड़ती है, और आज हम लोगों ने इस कैंडल मार्च से जनता के बीच में एक मैसेज दिया है कि हम जब तक सड़क के मुद्दे पर एक साथ नहीं खड़े होंगे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को भी एक सांकेतिक सूचना पहुंचाने का प्रयास किया है कि सड़क के मुद्दे पर अब शासन को सीरियस होकर और इस मुद्दे को खत्म करना होगा।